एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि व्रत के बारे में बताया कि एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, वो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। इसके साथ ही वो एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण समय पर ना चुका सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बात सुन रहा था और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन दिया और बंधन से छूट गया और रोज की तरह वो जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने की वजह से वो भूखा प्यासा व्याकुल था और शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विलप पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंशा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंशा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे देख मृगी ने निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर में पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मृगी की ये बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और वो चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस बार शिकारी हंसा और बोला, मैं सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन मृगियों के साथ छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, जिससे मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना थी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवल रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। थोड़ी देर बाद वो मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सतता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई।
उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।